अच्छी सच्ची और पक्की खबर के लिए आर्यावर्त टुडे न्यूज चैनल। पिछले संदेह से पहले आपकी सुरक्षा जो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया है माँ चंडी स्थान उसका हमेशा पालन करते आया है। मैं सभी भक्तजनों से मेरी निवेदन है कि वो कोविड को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें सबसे पहले और शांतिपूर्वक पूजा का निर्वाह करने में पूरी कमेटी को सहयोग करें। ये हमारा पूजा 1982 में प्रारंभ हुआ। 1982 के बाद से ये एक बहुत छोटा सा एक शिथिला स्थान था जिसका हमने पहले उसको पूरा निर्माण कराया, उसको ठीक ठाक कराया। उसके बाद काली जी की मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद महावीर जी की मूर्ति की स्थापना हुई और लगातार निरंतर इस तरह का कार्यक्रम हमारे द्वारा होते रहा और ये पूजा 1982 से चलते आ रहा है। इस पूजा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लेते, कहीं भी किसी भी तरह का कोई चंदा इस कमेटी के द्वारा नहीं लिया जाता है। ये हम लोग अपने से करते हैं। आज सप्तमी का प्रसाद शाम को वितरण होगा जिसमें हम लोग फल वगैरह बांटते हैं। कल महाभोज का आयोजन होगा, यहाँ पर महाभोज को खाने के लिए, क्योंकि ये महाभोज हम जो बनाते हैं वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक बनाते हैं। ये बंगाल से बनाने वाले आते हैं और इसमें 108 प्रकार का चीज़ मिलाया जाता है और 108 प्रकार के चीज़ से निर्मित होता है भोग और महाभोग शाम को बढ़ता है। परसों यानी नवमी के दिन यहाँ पर खीर का भोग लगता है और यहाँ की खीर जो है जिसको कि पायस बोला जाता है कलकत्ते की भाषा में, और ये पायस खाने के लिए लोग आज से ही हम लोगों से पूछते हैं कि वो किस दिन मिलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही इसको बनाने में करीब 3-4 क्विंटल दूध और बहुत सारा चीज़ डाला जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है और माँ का प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इस तरह से पूजा, उसके बाद हवन होता है, हवन में बहुत लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर हर पे कहीं कहीं किसी किसी जगह का नाम लिखा हुआ है। वो हमारे जितने भी भक्तजन हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मंदिर के एक संस्थापक थे जिन्होंने अपना खून बहाया यहाँ के लिए, यहाँ पर मंदिर बनाने में अपना सहयोग किया, श्री राजेंद्र गोप जी, वो हमारे बीच नहीं है। उसी साल उनका ये हुआ है। यहाँ पर मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ये करता हूँ। हमारे पूजा सचिव श्री अभिषेक जी हैं, रवि कुमार जो हैं, ये सभी लड़के जो हैं इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और अपना तन मन से ये पूजा करते हैं। यहाँ के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो अरविंद जी, जो कि पिछले 25 साल से यहाँ पर सिर्फ फल पे वो पूजा पे बैठते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो उतना दूर से आते हैं और करीबन 10 दिन ये पूजा में वो बैठते हैं, पूजा करते हैं और इन लोगों के ही सहयोग से हमारी कमेटी ये पूजा करती है। स्थानीय यहाँ के एक हाईक्यू वाले हैं जो कि हमको सपोर्ट करते हैं, वो अपने तरफ से वो पूरा ये पंडाल वगैरह में हमको सहयोग देते हैं। इस तरह से यहाँ की पूजा बहुत अपने परंपरा के हिसाब से होती है। ये अवध कमल प्रांगण में ये पूजा होती है। अवध कमल जी इसके बहुत ही बड़े भक्त थे, वो आज हमारे बीच नहीं है। उनका परिवार के द्वारा इस मंदिर का पूरा संचालन होता है और जब भी किसी भी तरह का मंदिर में कोई चीज़ का विकास की बात हुई तो उनका परिवार आगे बढ़ के इस मंदिर में अपना सहयोग देता है। अभी इसी वक्त इसी साल उनके सपुत्र